हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आप लोग कैसे अपना जो है स्नैपचैट का जो है अकाउंट बना सकते हैं। इसके लिए हम सिंपली करते हैं कि अपना स्नैपचैट को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपली अपना स्नैपचैट का ओपन कर लिया। अगर आप लोगों ने अपना स्नैपचैट के अकाउंट को यानी कि यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया तो आप पहले उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली से ओपन कर लेना। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ पर इंटरफेस आ रहा है। हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आ जाएगा गेट स्टार्टेड। आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे सिंपली अलाउ स्नैपचैट टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, आपको ये आ जाएगा। अगर आप इसे अलाउ कर देते हैं तो आपका जितना भी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके फोन में सेव है, उन सभी के पास ये एक मैसेज चला जाएगा कि आप स्नैपचैट यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं, उसके पास ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप इसे अलाउ कर सकते हैं ताकि वो आपसे इजिली जो है रीच आउट कर सके। आपको यहाँ पे सिंपली अलाउ कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक कॉल बुला जाएगा, अलाउ स्नैपचैट टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स। आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है सिंपली। उसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी बोला जाएगा अलाउ करने के लिए, आपको ये भी अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना जो नाम है वो यहाँ पे लिख देना है, आपका नाम का जो पहला लेटर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी बनाने वाला हूँ अमित कुमार के नाम से, तो मैंने यहाँ पे अमित लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ये कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे बर्थडे बोला जाएगा सिलेक्ट करने के लिए। आपका आपके नीचे में डेट, मंथ और ईयर आ जाएगा। आपको यहाँ पे तीनों के तीनों सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे तीनों का तीनों चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा 25 जनवरी 2004 है, तो मैं यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग मैंने 25 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जनवरी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो है 2004 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हैं योर यूजर नेम इज इतना 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 आ गया। ये थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में। आप यहाँ पे अपना जो है यूजर नेम को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे में लिखा रहा हुआ चेंज माई यूजर नेम, सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना जो यूजर नेम जो भी आपका मन पसंदीदा लगे आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना यूजर नेम रॉयल रॉयल अमित 046 रख लेता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना ये यूजर नेम रख लिया है। अगर आपका यूजर नेम अवेलेबल होगा तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा ये जो यूजर नेम वो अवेलेबल है। अगर आपका अवेलेबल नहीं रहेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा जाएगा यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे मेरा अवेलेबल है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपली करते क्या, यहाँ पे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जाएगा 8 डिजिट का आपको कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे हमने 8 डिजिट का जो है पासवर्ड वो सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप लोग इसके लिखा आ रहा है पासवर्ड लुक्स गुड। आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या है, सेव लॉगिन इन्फो ऑन योर डिवाइस। आपका ये जो है आपको यहाँ पे ये अनटिक होगा तो टिक कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिंपली अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पे मेरा कंट्री इंडिया है, मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके नीचे में आपको यहाँ पे जो है आपका अपना फोन नंबर डाल देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे डाला हुआ है पहले से ही, तो हम यहाँ पे सिंपली करते हैं यहाँ पे हम फ्रेंड्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये क्लिक कर दिया। उसके बाद हमारे फोन में एक OTP आएगा जो कि ये खुद ही डायरेक्टली ले लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो है 8 दोस्त को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं मैंने अपने 8 फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली ऐड 9 फ्रेंड्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ पे क्रिएट योर बिटमोजी, आपको यहाँ पे अपना बिटमोजी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप बनाना चाहे तो। मुझे अभी नहीं बनाना था इसलिए मैं यहाँ पे डोंट अलाउ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे इसे कट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका कैमरा आ जाएगा। यहाँ पे आपको बोला जाएगा टर्न ऑन करने के लिए। यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पे आपके फ्रेंड्स जो दिख जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे मैप भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैप रहेगा जिससे कि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा आपका फ्रेंड कौन कितना दूरी पे है, वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे स्टोरेज वगैरह भी देख सकते हैं लोगों के। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पॉटलाइट्स भी दिख जाएंगे, यहाँ पे जैसे कि रील्स होता है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरीके से आप लोग अपना जो है स्नैपचैट का अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा हमारा स्नैपचैट का अकाउंट।